हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। और आप लोगों को मेरे शयान हैमस्टर्स याद होंगे। कुछ दिन पहले इन्होंने बच्चे दिए थे और अब वो बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और आज मैं आप लोगों को इन बच्चों से मिलवाने वाला हूं। और काफ़ी बेहतर बेहतर रंग और इनकी क्वालिटी आई है। ये देखिए, आधे से ज़्यादा बच्चे तो एक ही जगह छुपे हुए थे। ये देखिए, यहाँ पे दो बच्चे बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही दिखते हैं। एक है जो अपने बाप पे गए हैं और बाकी के तीन वाइट हैं, एल्बिनोज हैं रेड आइज में। तो यहाँ मैं आपको सबसे मिलवाने वाला हूँ। ये देखिए, कोने में इनका बाप सो रहा है। यहाँ पे ये ब्लैक वाला आप लोग देख सकते हैं। और एक बच्चा बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है जैसा आप लोगों ने पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी जब मैं इस ब्लैक वाले को लेकर आया था। ये छोटा सा था बिल्कुल, और ये जैसे छोटी सी थी। तो ये देखिए, दोनों का ही बचपन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। ये कितने प्यारे लग रहे हैं और इनके माँ बाप भी ऐसे ही छोटे छोटे थे। तो अभी हम एक और को ढूंढते हैं। वो देखिए उस कोने में है, तो उसको ज़रा निकालते हैं। ओ, ये देखिए इस कोने में है। और देखिए, मेरे हाथ लगाते ही अभी भागे गए वहाँ। ये भी छोटे छोटे देखिए, ज़्यादा पकड़ में नहीं आते। और इनमें से जो फीमेल्स हैं वो तो ख़ास तौर पर पकड़ में नहीं आती हैं। मेल तो फिर भी हाथ में थोड़ी देर रुक जाते हैं, लेकिन फीमेल्स बिल्कुल नहीं रुकती है। देखिए, और देखिए उल्टा हो गया था। और अभी आप लोग देख सकते हैं इनका कलर पैटर्न बहुत ही गजब है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये। तो अभी देखिए इन लोगों को फीड में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें मैंने दी हुई हैं, जिसमें इन्होंने कागज़ भी घुसा दिया है। ये देखिए, अपना बेडिंग इसमें घुसा दिया इन लोगों ने। तो इस फीड में मैं इन लोगों को भुट्टा दे रहा हूँ, खीरा दे रहा हूँ, और यहाँ पे गाजर भी है छोटे छोटे, और कई सारे ग्रेन्स इसमें भी मिले हुए हैं। तो ये सब मिक्स फीड इन लोगों को दे रहा हूँ विद वेजिटेबल्स, जिसको खा खा के काफ़ी अच्छी हेल्थ और काफ़ी अच्छी क्वालिटी इन लोगों की हुई है। और मदर को आप लोग देख सकते हैं, अभी भी लगभग महीना भर होने वाला है, लेकिन तब भी बच्चे दूध पी रहे हैं और ये प्यार से पिला भी देती है। क्योंकि फीड इतनी कराने के बाद ये लोग काफ़ी हेल्दी हैं और काफ़ी अच्छे से इन लोगों को फीडिंग भी करा दे रहे हैं। ये देखिए, एक बच्चा अंदर घुसा हुआ था। ये देखिए ब्लैक वाला कैसे देख रहा है। अभी मैं ज़रा इसके बाप को यहाँ से उठाता हूँ और फिर मिलते हैं। देखिए बहुत गहरी नींद में है वो। देखिए अब उठा, और इसके बाल बीच में काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे और काफ़ी वाइट भी हो गए थे, लेकिन अभी धीरे धीरे वापस से ब्लैक कलर आ रहा है और वाइट वाले बाल धीरे धीरे झड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तीन वाइट हैं, जिसमें से शायद दो फीमेल्स हैं एक मेल है। और ये देखिए, मैं एक बार वाइट वाला आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अरे 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 अरे, भागो नहीं भागो नहीं। ये देखिए कितने गोलू मोलू टेडी बियर जैसे हैं ये लोग। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने आराम से ये मेरे हाथ में अभी यहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचाई पे। अभी मैं नीचे इसको ऐसे ही छोड़ूंगा, फिर उसके बाद ये खुद को छूने नहीं देगा, भागने लगेंगे। तो ये देखिए, और यहाँ देखिए, अभी मेल और फीमेल आपस में थोड़ा सा झगड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सोने के लिए इन लोगों ने जो जगह बनाई हुई है। और ये क्या करते हैं कि पूरी बेडिंग में कहीं ना कहीं एक कोने में घोंसले टाइप का बनाते हैं और उसके बाद उसमें सो जाते हैं जाके। तो अभी फैमिली थोड़ी बढ़ गई है, तो यहाँ पर और भी बच्चे जो छोटे छोटे थे जिनको किसी भी कोने में पटक दिया जाता था, अब वो खैर बड़े हो गए हैं, तो वो भी माँ बाप के बीच में घुसने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ी बहुत यहाँ लड़ाई हो रही है इन लोगों में कि यहाँ पर मैं सोऊँगा मैं सोऊँगा। लेकिन कुछ ही दिनों में मैं सेपरेट कर दूंगा, फीमेल फीमेल अलग और मेल मेल अलग, ताकि ये लोग आराम से रह सकें। और सेटअप तो बाकी आप लोगों ने देखा ही है, इतना बड़ा सेटअप है ये पूरा 3 फीट का इन लोगों के लिए। तो अभी इनका साइज़ भी थोड़ा सा और बढ़ेगा, और फिर उसके बाद अगर मैंने साथ में छोड़ दिया तो ये लोग दोबारा ब्रीड भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा ब्रीडिंग कराना भी इनके क्वालिटी पर नुकसान कर सकता है, तो इसीलिए इनके ज़्यादा ब्रीडिंग नहीं कराएंगे। अभी फ़िलहाल आप लोगों से इन लोगों को मिलाना था ताकि आप लोग इनकी ग्रोथ देख सकें, कितनी जल्दी कैसी ग्रोथ हुई है। और अगर आप में से कोई लेना चाहे तो ले भी सकता है, वरना कुछ दिन बाद मैं इन सभी की ब्रीडिंग करवाऊंगा सेपरेट सेपरेट, यानी कि वाइट वाइट की और वाइट ब्लैक की और जो ऑरेंज ऑरेंज है उनकी, ताकि कुछ अलग और डिफरेंट कलर भी निकले। तो क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग बहुत अच्छे से हैमस्टर्स में ही हो पाती है, गिनी पिग में उतना अच्छे से नहीं हो पाती कलर के मामले में। तो इसलिए और भी अच्छे से इनकी ब्रीड कराएंगे और कलर्स लाएंगे। तो चलिए फिलहाल अभी वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, और अगर आप लोगों के पास पेट्स हैं तो उन लोगों का तो जरूर ध्यान रखें। बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।